नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए मुलाकात की जानकारी दी। पिचाई ने ट्वीट किया, आज की शानदार मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद। आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत को G20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए हम तत्पर हैं। दूसरी तरफ गूगल ने भारत के लिए AI फीचर्स उपलब्ध करवा दिए हैं। गूगल ने भारत की डिजिटल जरूरतों के लिए विभिन्न AI आधारित पहलों की घोषणा की है। गूगल भारत की 100 भाषाओं के लिए AI मॉडल बना रहा है। अब भारत में गूगल के नए फीचर्स उपलब्ध होने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पन्नू में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसेस न्यू AI फीचर्स फॉर इंडिया। पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। कंपनी का क्या कहना है जरा सुनिएगा कि जो सप्लाई चेन के शदीद मुतासर होने की वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के PM मोदी से। अब जब हम ये खबर लेते हैं तो हम कहते हैं, ओ गूगल ने इंडिया के लिए नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, गूगल इंडिया, तो बड़ी कमाल की बात है भाई। दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया AI फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात ये है कि जो CEO है वो इंडिया के हैं सुंदर पिचाई। और माशी माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुतासरा कंपनी के फैसले के बाद मजीद कई कंपनीज अपने प्लांट बंद कर सकती हैं। भारत के साथ तजारत जो है उनको भी देखना पड़ सकता है, उसको रिविजिट कर सकते हैं हम इस पॉलिसी को। पाक अफगान सरहद पर शदीद कशीदगी भी जारी है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है, बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। सर हमारे नौजवान भी, उनको IT पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशन पर CEOs लगे होते हैं तो फिर उनकी भी ऐसी बात की जाती होती है। और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई AI फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान ही क्रैश कर गई है। खबर ये है कि गूगल अनाउंसेज न्यू AI फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसमें क्या कुछ है वो आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और खास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो IT और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। अब इसमें जहां बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देती हुई नजर आती हैं और उनके साथ अपना काम करती भी नजर आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नजर आती हैं, उसी तरीके से गूगल जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो उसके हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नजरों के सामने हमारे लैपटॉप मोबाइल पर रहता है, कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव इन द AI स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे। ये कल की खबर है। फ्रॉम ब्रिजिंग द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड टू सपोर्टिंग इनोवेटिव यूज ऑफ AI टू हेल्प फार्मर्स, दीज मूव्स आर पार्ट ऑफ गूगल्स पुश फॉर ए मोर इंक्लूसिव हेल्पफुल एंड सिक्योर इंटरनेट फॉर एवरी इंडियन। और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखती हूँ। कहा गया है दी थ्री मेजर एरियाज दे आर फोकसिंग देयर इंटरवेंशन ऑन आर लैंग्वेजेस एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। अब इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के PM मोदी से। अब जब हम ये खबर देखते हैं तो हम कहते हैं, ओ गूगल ने इंडिया के लिए नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, गूगल इंडिया, तो बड़ी कमाल की बात है भाई। दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया AI फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात ये है कि जो CEO है वो इंडिया के हैं सुंदर पिचाई, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर सब कुछ है, लेकिन हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी ये बात नहीं है कि क्योंकि वो वहां के CEO हैं सुंदर पिचाई का ताल्लुक भारत से इसलिए वैसा करें। अगर उनका मुल्क टेक्नोलॉजी में IT में बहुत पीछे होता तो उनकी मजाल नहीं थी वैसा करते, सवाल उठता कि ये क्या करें, लेकिन उन्होंने ये किया है, यानी ये कि उनके अंडर हुआ है, वैसे तो गूगल ने किया है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि वो किन किन चीज